नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यूसुफ बोल रहा हूं गुजरात इंडिया से, और आज आपके सामने मैं एक छोटा सा और बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक जमाना था जब हम अपनी तस्वीर खींचवाने के लिए बहुत बेताब रहते थे, नए नए कपड़े पहनकर और अच्छे चेहरे पर मेकअप वेकअप करके हम जाते थे स्टूडियो पर, फोटो स्टूडियो में। और शादी ब्याह का सीजन जब होता था तब तो यानी एक क्रेज रहता था लोगों को, और कैमरे से फोटो खींचवाते थे हम, और फिर उसकी हार्ड कॉपी निकल के बाहर आती थी और अपना ही चेहरा देखकर हम मुस्कुरा देते थे, हैं? तो अब जमाना बदल चुका है दोस्तों, अब कैमरे की जगह मोबाइल ने ले ली है। और आजकल की यंग जनरेशन में तो एक एक वर्ड आपको पता ही है, बहुत ही खास हो गया है, वो क्या है? सेल्फी। लोग अपनी अपनी सेल्फी अलग अलग टाइप से लेते हैं और फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पर पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात तो हुई साइटेड की, अब हम जैसे लोग क्या करें भाई, हम जैसे लोग अपनी सेल्फी किस तरह से लेंगे? लेकिन दोस्तों, अब आप घबराएगा नहीं, बिल्कुल आप अपनी सेल्फी लेके आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हो। कहीं किसी डॉक्यूमेंट में अगर आपको अपना फोटोग्राफ देना है, कहीं आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप जरूर से दे सकते हो। या तो भाई किसी गर्लफ्रेंड को आपको अपनी तस्वीर देनी है तो जरूर अब किसी की हेल्प के बिना आप अपनी सेल्फी खींच सकते हो। और ये कमाल है बैक कैमरा सेल्फी एप्लीकेशन के द्वारा। तो मैं इस पॉडकास्ट में आपको बैक कैमरा सेल्फी का यूज कैसे होता है और किस तरह से अपनी सेल्फी बैक कैमरा सेल्फी एप्लीकेशन की मदद से लेनी है वो आपको मैं बताऊंगा। तो जरूर सुनिएगा दोस्तों ये पॉडकास्ट बैक कैमरा सेल्फी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये पहले हम बैक कैमरा सेल्फी ओपन करेंगे दोस्तों। दोस्तों, इसमें मैं आपको पहले थियरी बता देता हूँ। बैक कैमरा सेल्फी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा, ये फ्री है, लेकिन इसमें एड्स काफी ज्यादा होती है। तो वहां पर जब आप बैक कैमरा सेल्फी ओपन करोगे तो उसमें आपको देखिए, मुझे मैंने बैक कैमरा सेल्फी ओपन करके वापस क्लोज किया तो मुझे रेट करने को बोल रहा है, लेकिन इसको मैं अभी ना बोल देता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब आप प्ले स्टोर से बैक कैमरा सेल्फी डाउनलोड कर लोगे तो उसमें आपको काफी एड्स मिलेगी। अगर आप एड्स से परेशान होते हैं तो घबराइएगा नहीं दोस्तों, वहां पर आपको एड फ्री वर्जन का इंस्टॉलेशन का आइकॉन भी होता है जो आपको परचेस करना होता है। तो मैं बैक कैमरा सेल्फी प्रो यूज कर रहा हूँ अभी। तो दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि जब आप बैक कैमरा सेल्फी ओपन करोगे तो एक स्क्रीन वहां पर ओपन हो जाएगा। तो वहां पर आप अपने फेस के सामने आपका जो बैक कैमरा है वो आप पॉइंट करके, वो ऑटोमेटिकली वॉइस गाइडेंस के द्वारा वो आपको बताएगा कि किस तरह से फेस को यानी किस तरह से पोजीशन सही से लेनी है। तो जैसे जैसे वो बोलेगा राइट लेफ्ट, और जब कंप्लीट फेस आपका उसके कैमरे की नजर में आ जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, तब वो बोलेगा स्टॉप, और फिर बोलेगा वो स्माइल, और जब आप स्माइल करोगे तो आपकी हंसती हुई मुस्कुराती हुई तस्वीर खींच लेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि किस तरह से वो वॉइस गाइडेंस करता है और किस तरह से वो वॉइस गाइडेंस के द्वारा आप अपनी तस्वीर वो खींच लेता है। तो ये मैंने बैक कैमरा सेल्फी ओपन किया, और मैं ओपन करने के बाद मेरा जो बैक कैमरा है वो मैं अपने फेस के सामने रखूंगा और फिर मैं वॉइस गाइडेंस को फॉलो करूंगा। डाउन लेफ्ट स्टॉप डाउन
down, down. Stop, smile. तो दोस्तों ये आपने सुना, इसने कहा डाउन, फिर लेफ्ट, फिर डाउन, इस तरह से उसने एडजस्ट किया। फिर जब उसको लगा कि अब हाँ आप सही है, फिर उसने बोला स्टॉप, फिर उसने बोला स्माइल। तो स्माइल जब मैंने किया, उसने तुरंत ही ऑटोमेटिकली उसने फोटो कैप्चर कर लिया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा दोस्तों। तो अब यहां पर फोटो कैप्चर हो गया है। अब यहां पर स्क्रीन पर क्या क्या दिख रहा है जरा देखते हैं। पहला है लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, डाउन जो स्क्रीन का जो निचला हिस्सा है वहां पर लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे दोस्तों। कैंसल बटन, पहला है कैंसल, यानी आप कैंसल कर सकते हो इसको, इस फोटो को कैंसिल कर सकते हो। मैं एक बात आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप जब भी आप फोटो लोगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप किसी लाइट, यानी आप अंधेरे में ये मत लीजिएगा, नहीं तो सही से फोटो वो नहीं खींचेगा। किसी लाइट एरिया में आप जाके फोटो आप कैप्चर करो तो बहुत बढ़िया वो क्वालिटी देगा। चलो अब ये कैंसिल बटन पर मेरा फोकस है, अब नेक्स्ट देखते क्या है। एक्सेप्ट बटन, यानी एक्सेप्ट जब आप करोगे तो वो फोटो जो है वो आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में बैक कैमरा सेल्फी नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, वहां पर वो फोटो सेव कर देगा। उसके बाद देखते क्या है दोस्तों, शेयर बटन, यानी डायरेक्टली आप यहां से फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर आप शेयर कर सकते हो ये आपका फोटो। जैसे मैंने मेरा फोटो अभी लिया तो मैं यहां से डायरेक्टली शेयर कर सकता हूं। उसके बाद देखते दोस्तों क्या है, प्रिंट बटन, यानी अगर प्रिंटर से आपका मोबाइल कनेक्टेड है तो आप हार्ड कॉपी भी ये इस फोटो के आप बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये आइकॉन्स मैंने आपको बता दिए, तो है ना मजेदार ये एप्लीकेशन। बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है दोस्तों, लेकिन इतना ही मजेदार एप्लीकेशन है। अब आप विदाउट साइटेड हेल्प आप अपनी सेल्फी खींच सकते हो। तो दोस्तों जाइए जाइए, कहीं पर घूमे, कहीं अच्छी जगह जाइए और अपनी सेल्फी लीजिए। तो ये अभी मैं कैंसिल कर देता हूं इसको, तो ये वापस बैक कैमरा सेल्फी की जो स्क्रीन जहां पर फोटो खींचने के लिए उसने मुझे गाइड किया था वो स्क्रीन आ गई। उस स्क्रीन पर दोस्तों देखते क्या है, पहले है ये, यहां पर हम स्वाइप से ही जाएंगे दोस्तों। इन्फो, यानी इन्फो में आपको बैक कैमरा सेल्फी के बारे में कुछ थोड़ा बताएगा, वर्जन वगैरह, वर्जन है उसका, डेवलपर का जो भी है वो सब बताएगा, वो हम नहीं देखते दोस्तों अभी। ये है स्विच बिटवीन फ्रंट एंड बैक कैमरा बटन, यानी आप इसको एक बार डबल टैप करोगे वो फ्रंट कैमरा पर स्विच हो जाएगा, यानी इसके बाद आप फ्रंट कैमरा से अपनी फोटो कैप्चर कर सकते हो। वापस आप डबल टैप करोगे तो वापस वही बैक कैमरा से आ जाएगा। तो ये फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, चेंज रेजोल्यूशन बटन, यानी आप यहां से अपना रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। फ्लैश बटन, यानी फ्लैश आप ऑन ऑफ कर सकते हो इससे। ये आपको उसने समझाया कि किस तरह से आपका फोन को फेस के सामने लेना है, फिर वो गाइड करेगा। उसके बाद दोस्तों वापस इन्फो बटन आ गया, फिर इन्फो बटन से मैंने लेफ्ट साइड पर स्वाइप किया, राइट से लेफ्ट स्वाइप किया तो चेंज पोजीशन दिखा रहा है, यानी यहां से आप अपने आप पोजीशन को चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद है ये मजेदार है दोस्तों, नॉर्मल और फास्ट पोजीशन, यानी ये इससे क्या होगा कि आप इसके ऊपर डबल टैप करोगे तो ये फास्ट गाइड करेगा आपको, इसमें स्माइल नहीं बोलेगा, एकदम फास्ट गाइड करेगा वो। ये थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों, ये आपको जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद ये आप यूज करना। फिर मैंने लेफ्ट साइड पर स्वाइप किया, राइट टू लेफ्ट स्वाइप किया तो कैमरा इज ऑन बता रहा है। फिर वापस इसने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो वहां पर अपना फोकस आ गया। तो ये दोस्तों पॉडकास्ट है बैक कैमरा सेल्फी के बारे में, और ये जो पॉडकास्ट है ये मैंने आपको जितना हो सका उतना समझाने की कोशिश की। तो अब आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये हुआ बैक कैमरा सेल्फी का पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, आप कमेंट भी कर सकते हो इसके बारे में।
मुझे पर्सनली आप इसके बारे में कमेंट करना चाहते हो तो मेरा ईमेल आईडी है dr यानी डॉक्टर dr.yusuf yusuf 8484 न्यूमेरिक में 84 @gmail.com। फिर से एक बार दोहरा देता हूं मेरा ईमेल आईडी दोस्तों dr.yusuf@84@gmail.com। मेरा मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सएप मेरा नंबर है जिससे आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, वो नंबर है 9879409087। तो दोस्तों इससे आप प्रैक्टिस करिए और जरूर से मुझे इसके बारे में फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय बैक कर मेरा सेल्फी। थैंक यू। If you like this podcast, please give a like, comment and share with other people. And if you have any question, suggestion, and feedback about technology, please contact us by this email. teamtechworld@gmail.com. That is teamtechworld@gmail.com. For more information, stay tuned. Bye-bye, and have a great day. Thank you. Hey, stop, where you are going. Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye-bye.